भी सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया हमने। ठीक नहीं करें। चलो है बताओ। ध्यान से देखो, पहला ओके क्वेश्चन लिखो। पहले दो तीन क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट और बहुत सिंपल सिंपल करेंगे, जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग अपनी नोटबुक और पेन निकाल ले, सत्संग सुनने कोई नहीं आया यहाँ। देखो बोल रही हूँ। नहीं मेरे को लगा ऑनलाइन बोल रही थी हमको यार। ठीक क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन द इमेज फॉर्म्ड। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अ कैंडल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्या ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ये 30 के है 20। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, दैट इज यू कितना होगा, यू होगा हमारा कितना 30। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट थर्टी डिस्टेंस 30 लेंगे कि -30? थर्टी -30। 2 लेंगे -30, क्योंकि कल चीख चीख कर बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, जिन नलायकों को याद नहीं है वो याद रख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ये अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कैसे होता करेंगे। है। सब लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर में और मिरर मिरर में UVF UVF सब सब नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। फिर से बोलो, कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में UVF UVF सब नेगेटिव होता है। ठीक सब नेगेटिव होता है। ठीक है, है जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे इसको थोड़ा सा चेंज, कॉनकेव उस टाइम हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर हो या लेंस, मिरर हो या लेंस UVF यूवीएफ सब सब नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, यूवीएफ क्या होता है? यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी डिस्टेंस हमको निकालना है, हमें कैसे पता वी निकालना है? क्योंकि उन्होंने थोड़ा बोला है पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म। वी क्या है? पोजिशन सा ऑफ इमेज फॉर्म इमेज। वी क्या है? पोजिशन ऑफ इमेज। इमेज और फोकल लेंथ कितनी देके रखी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी देके रखी हुई है? ये बस इनटू 15। करना है। माइनस 15 है ना?
15 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे इसको माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस? क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। If it would have been a convex mirror, तो focal length क्या लेते हैं? Positive लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये concave है, इसलिए इसको क्या लेंगे? Negative लेंगे। Is it clear? हम लोग formula लगाएंगे, कौन सा mirror formula? कौन सा formula लगाएंगे? Mirror. Mirror formula क्या होता है? 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u. That means 1 upon v - 15 = 1 upon v + 1 upon -30. ठीक जी, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा और हम ब्रैकेट क्यों लगा? नहीं लगा, वहाँ पर साइन लगा हुआ है। मतलब वहाँ पे ऐसा फर्क क्या था? फर्क कुछ नहीं था बेटा, ये प्लस साइन है ना। अब प्लस इनटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, -1/15 = 1/v - 1/30। बहुत बढ़िया। तो -1/15 + 1/30 = कितना? 1/v। 15 और 30 का जो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30। यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1, दैट इज 1/v। तो ये कितना आ जाएगा? -1/30, दैट इज v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30। रेसिप्रोकल में साइन कब चेंज होता है बेटा? जो एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज होता है। अगर लिखा होता 1/2 की पावर 2, तो इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करते तो होता 2 की पावर -2। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसा है बेटा? बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, सिर्फ कॉनकेव की जगह हम लोग ने क्या लिया है? कन्वेक्स लिया। अब तो माइनस की जगह वो लेना है, वी कितना लेंगे पता नहीं, निकालना है। फोकल लेंथ कितनी लेंगे? +15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर हो या लेंस, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। F को 15 इसलिए लिया क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि वो पोल के राइट साइड पे लगा है। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1 upon v + 1 upon -30. 1/15 = 1 upon v - 1/30. 1/15 + 1/30 = 1/v. दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 2 times 1 time 3/30 = 1/v. 3 ones are 3, 3 tens are 30. तो v = 10 centimeter। क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इमेज कैसी लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अ 2 सेंटीमीटर टॉल नीडल, नीडल कितनी है? 2 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, ये मुझे क्या दिया हुआ है? एच ओ दिया हुआ है विच इज 2 सेंटीमीटर। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मुझे कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए इसे हम लोग क्या लेंगे? माइनस लेंगे। इफ द नीडल इज केप्ट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आपको यू दिया हुआ है कितना? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब 1/f = 1/v + 1/u। -1/15 = 1/v. ठीक है ना, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। -8 + 15 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये हो जाएगा -7/120। सॉरी +7,
plus 7 upon me 120 is equals to 1 by V. Therefore, your V comes to 120 upon me 7 centimeter. अब देखो क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है क्या? अगर क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है तो क्या यू वी एफ सब नेगेटिव आने थे? भाई यहाँ पर तो वी मेरा पॉजिटिव आ गया, तो क्या मेरा आंसर गलत है? नहीं, अपने तो क्यों नहीं है गलत? क्योंकि यहाँ पर देखो जो U है वो F से कम है क्या? Yes. U is less than F. Because U is S less than F, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन पोल एंड फोकस. कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन पोल एंड फोकस. और क्योंकि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी. ओके रुको, इसके साथ हम लोगों ने कल एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का. वो क्या था? एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू. ओके, माइनस वी अपॉन यू मैंने कब नहीं बताया था? तो बेटा ये याद रखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन में एच ओ एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस वी अपॉन में यू. ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास हाइट ऑफ इमेज तुम लोग को निकालनी है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा रखा हुआ है कि नीडल कितनी है? 2 सेंटीमीटर टॉल है. नीडल कितनी है? 2 सेंटीमीटर टॉल. इमेज डिस्टेंस आपने अभी निकाला कितना? 120 अपॉन में 7. ठीक है, माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है. इन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था? माइनस 8. ओके, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एच आई कितना आ जाएगा? 120 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 8. 30 अपॉन में 7. 30 अपॉन में 7 सेंटीमीटर. ये क्या आई तुम्हारी साइज ऑफ इमेज? ठीक है, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. सो दिस इज योर आंसर. ये जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है, बेटा यहाँ पर हम लोग क्या वी के साइन कन्वेंशन लेंगे? हाँ. क्या यहाँ पे हम लोग यू के साइन कन्वेंशन भी लेंगे? हाँ. क्या हम लोग यहाँ पे ओ का साइन कन्वेंशन भी लेंगे? साइन कन्वेंशंस हम लोग सब जगह लेंगे एक्सेप्ट फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट नोन. जो चीज निकालनी है उसका साइन कन्वेंशन कभी भी नहीं लेंगे. ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं. उसके आंसर में वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज जो भी है एज द केस में भी क्या हो जाएगी? हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बाकी हर जगह जो आपको वैल्यू नोन है उसके हम लोग साइन कन्वेंशंस लेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, a 5 centimeter tall object is kept at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of focal length सेंटीमीटर. कैलकुलेट द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में देकर रखिए. हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. That is 1 upon में 18 is equals to 1 upon में V minus 1 upon में 15. 1 by V would be 1 by 18 plus 1 by 15.
वन बाय बी इज इक्वल टू 15 प्लस 18 नीचे आ जाएगा 15 इंटू 18 तो 1 बाय वी इज इक्वल्स टू अच्छा नहीं होती मेरी 23 अपॉन में 15 इंटू 18 ठीक है तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 18 अपॉन में 23 ठीक है फिर हमको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू माइनस वी बाय यू दैट इज एच आई इज इक्वल टू एच ओ कितना है हमारा 5 वी कितना आया 15 इंटू 18 करके देखो चलो मीटिंग खत्म नहीं 15 इंटू 18 अपॉन में 23 और यू की वैल्यू कितनी है माइनस 15 अरे वाह तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 18 5 सा 90 अपॉन में 23 सेंटीमीटर सो दीज आर योर आंसर्स